जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। तीन तलाक पर सख्त कानून बनने के बाद भी तीन तलाक के मामलों में इजाफा। बरेली के सदर बाजार धोपा मंदिर के पास रहने वाली सलमा पत्नी तालिब हुसैन ने बताया, उनके पति ने सिर्फ बच्चों के खाना मांगने पर उसे तीन तलाक दे दिया। सलमा ने आगे बताया, उसकी शादी 12 साल पहले तालिब के साथ हुई थी, तभी से उसका कई औरतों के साथ नाजायज रिश्ता रहा है। सलमा के मुताबिक उसका पति उससे और ना ही उसके दोनों बच्चों से कभी प्रेम से बात करता था। उसका कारण रिया नाम की एक युवती बताई जा रही है। सलमा के मुताबिक 12 साल से उसके पति ने उसे कभी भी चैन से खाने पीने को भी नहीं दिया, जिससे वह बेहद कमजोर हो गई। आगे सलमा ने बताया, उसकी ससुराल में तलाक एक फैशन है। सलमा ने बताया, अभी 10 महीने पहले उसके जेठ ने उसकी जेठानी को तलाक दे दिया था। यह सलमा की ससुराल में 7वीं तलाक है। सलमा ने रोते हुए कहा, उसके माँ बाप नहीं है, ऐसे में वो बच्चों को लेकर कहाँ जाए। सलमा ने कानून से गुहार लगाई है, उसके पति को कानून ऐसी सजा दे कि उसके परिवार में उसकी आखिरी तलाक हो, किसी और को यह मनहूस नाम दोबारा सुनाई ना दे। बरेली से हमारे संवाददाता फैयाज खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सलमा। कल क्या हुआ था? कल खाने को लेकर मार्केट गई थी। मैं खाने के लिए कहा था बच्चों ने, मैंने बच्चे भूखे थे, कहा था सब्जी ला दो, तो उन्होंने मना कर दिया। लड़के से कहा मैं मारूंगा अगर खाने का नाम लिया तुम्हारा। किन ने मना किया था? बच्चों के पापा ने। क्या नाम है? फ्रेंड तालिब हुसैन ने। फिर क्या हुआ? फिर मैं लड़की बोली, रोने लगी चाय के लिए, मैंने कि चीनी नहीं है, चाहे चीनी ला दो, उधार ला दो किसी दुकान से, जब तुम्हारा काम के पैसे मिल जाए तो तुम उन्हें वहाँ जाके दे देना, वहाँ सामान ला के दे दो मेरे लिए। इस बात पे उन्होंने गाली गलौज करी, बदतमीजी करी, मारा और फिर तलाक दे दी। तीन तलाक कर दी। क्या काम करते हैं आपके शौहर? टेप सिलाई का काम करते हैं। कहाँ? हरियाणा सिरसा में। 3 साल से हरियाणा सिरसा में है वो। इसे एक रिया नाम की लड़की से अफेयर चल रहा है उनका। आपके शौहर का कहीं अफेयर चल रहा है? जी। कहाँ की है? रिया नाम की लड़की है। कहाँ की है? हरियाणा सिरसा में। कब से चल रहा है? सर काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, मतलब पता मुझे 1 महीने पहले चला है। कहीं तलाक की यही वजह तो नहीं है? तलाक की वजह यही है, उससे पहले भी एक लड़की नसीमा नाम की लड़की से अफेयर था, उसकी शादी के बाद, उसको भी लेकर उन्होंने तलाक की धमकी दे रहे थे मुझे। 12 साल से यही करते हुए आ रहे हैं, तलाक करूँगा, रहना नहीं है, मेरी शादी नहीं। आपकी शादी को 12 साल हो गए? मेरी शादी को 12 साल, सन 2010 में हुई मेरी शादी। ये आपके खानदान में पहली तलाक है? पहली नहीं है, 6ठी या 7वीं तलाक है। 7वीं तलाक है। हाँ। इससे पहले कौन कौन तलाक दे चुका है? पहले मेरे खुद मेरे सगे जेठ ने मेरी जेठानी को तलाक दी 10 महीने पहले। फिर उसके बाद मेरी हुई है, उससे पहले और भी हो चुकी है तलाक इस खानदान के अंदर। खानदान की पुरानी परंपरा है तलाक। हाँ। तो आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो दोबारा आने वाले टाइम में किसी और के साथ यहाँ कभी ना हो, और जो मेरे बच्चे हैं छोड़, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी ये बताएं आप। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, मैं 5 बहनें हैं, हमारी बहनें आरी का काम करती हैं, हम कोई ऐसा नहीं बिजली मैन है, कोई ज़्यादा पैसे वाली पार्टी नहीं है हमारी, कोई खुद का घर का खर्च काम चला कर करके खर्चा चलाते हैं, पैसे ला ला के काफ़ी दे चुके हैं। मेरा पूछ जितना मेरी शादी में जेवर मिला था वो भी सब इन्होंने बेच दिया है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी है इन्होंने बेचने के लिए। मायका आपका कहाँ पे? मेरा मायका सीवीगंज नदोसी में है। और अगर तुझे परेशान है तो तू मुझे छोड़ दे, मतलब खर्चे के लिए पैसे मांगते हो तो छोड़ने की बात करते हैं। हाँ, तू मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे तलाक दे दे रही हूँ, या तू मुझे छोड़ दे। और मेरी शादी जबरदस्ती करवाई है मेरे घर वालों ने, तेरे घर वालों ने, उनका कहना यही है। आपके शौहर का कहना ये? मेरे शौहर का ये कहना है, मेरे घर वालों ने जान के तेरी जिंदगी खराब करवाई है, सबको पता था कि मैं मेरी मर्जी वहाँ से नहीं है। अब बता मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ इन बच्चों को लेकर, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। अभी की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आवाज टीवी। अपने आसपास की खबर को प्रसारित करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7517560101 पर संपर्क करें। वेब पोर्टल jbtawaz.com लॉगिन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्ले स्टोर से JBT आवाज ऐप डाउनलोड जरूर करें।